राष्ट्रमंडल खेलों में भिवानी जिले के गांव धनाना की बेटी नीतू घनगस ने मुक्केबाजी के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का गौरव बढ़ाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को नया आयाम दिलाया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को नीतू के परिजनों एवं ग्रामीणों ने एक साथ देखा और उनकी जीत पर तालियां बजाकर खुशी मनाई। नीतू ने राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में बॉक्सर मैरी कॉम को हराकर टिकट पाया था। नीतू के माता पिता ने बताया कि हर माता पिता को अपनी बेटियों को उनके पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। ज्यादा खुशी है, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है। मैं नीतू को 2012 में जगदीश कोच साहब के पास लेके आया था, तो तब मैंने इतना बड़ा वो नहीं सोचा था कि भाई, ऐसे ही सोचा था कि भाई बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह का मेडल आया था 2008 में, तो जगदीश कोच साहब के पास ही करते थे विजेंद्र सिंह। लक्ष्य ओलंपिक के लिए लक्ष्य हमारा कोच साहब का और हमारा ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। नहीं तो वो एशियन गेम भी आओगा जी 2024 में, ओलंपिक है जी, मेरे हमारी पूरी उम्मीद है जी गोल्ड लेके आओ मेरी बेटी जी। चूरमा खुवांदी जी बेटी को, दही खुवांदी जी और दूध पिलांदी जी। नीतू के कोच द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह और भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान ने उम्मीद जताई कि नीतू ओलंपिक में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी। तूने अपना जो वादा किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक लेने का, उसने उसको बखूबी निभाया है और देश की जोड़ी में मुक्केबाजी में इस प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीत के दिया है। जिस दिन से नीतू का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि नीतू के जो भार वर्ग में जो हमारी लीजेंड बॉक्सर है मैरी कॉम के भार वर्ग में गई है नीतू, तो उसको रिप्लेस करती है हमारी महान मुक्केबाज मैरी कॉम को, तो देश को कम से कम स्वर्ण पदक नीतू से चाहिए था और उसने अपना वादा निभाया। गोल्ड मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम में 48 kg में, और ये इसका शुरू से ही लग रहा था कि तीनों जो वाइट थी उन्हें एक तरफा जीती है और ये शुरू से होनहार खिलाड़ी रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आओगी।